दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर में पहली बार होने जा रही इंद्रावती विकास प्राधिकरण के बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। विधायक चंदन कश्यप ने आईटीआई भवन का किया शुभारंभ। कोसा सेंटर बस्तर में लगेगी राजीव गांधी की प्रतिमा, विधायक लखेश्वर बघेल ने की घोषणा। रेलवे स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित शीतकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का हुआ आगाज। अब खबरें विस्तार से। इंद्रावती विकास प्राधिकरण को लेकर इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजू शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कई बार विकास की बातें की, परंतु आज पर्यटन तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब किसी भी प्रकार का प्राधिकरण का गठन भी नहीं किया और जब से हमारी सरकार आई है उसके तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इंद्रावती विकास प्राधिकरण की घोषणा तुरंत की थी, उसी के तहत आज ढाई महीने पहले सभी पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री के द्वारा बस्तर में पहली बार इंद्रावती विकास प्राधिकरण का बैठक होने जा रहा है। जनवरी 24, 25 और 26 उनका 3 दिवसीय बस्तर प्रवास है और उसी बीच विकास प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है। बस्तरवासियों में काफ़ी उत्साह है इंद्रावती विकास प्राधिकरण को लेकर। जो बस्तरवासियों में उत्साह है और जो अभी नियुक्त हुए हैं उनके तत्काल बाद आज तक जो इंद्रावती में पानी की कमी को लेकर जो संकट उत्पन्न हुई है उसे लेकर के उड़ीसा राज्य में जो जोरा नाला है उसमें जल का विभाजन स्ट्रक्चर का अवलोकन किया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया जिसकी समस्त जानकारी इंद्रावती विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक में दी जाएगी। हमारी सरकार 2018 में आने के बाद इंद्रावती विकास प्राधिकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई थी। उसी के तहत अभी ढाई महीने पहले इसकी नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्ति के बाद इंद्रावती विकास प्राधिकरण की पहली बैठक मुख्यमंत्री जी के बस्तर प्रवास को लेकर 24, 25 और 26 तारीख को जो उनका 3 दिवसीय बस्तर प्रवास है उसमें इंद्रावती विकास प्राधिकरण की पहली बैठक होने जा रही है। निश्चित रूप से इंद्रावती विकास प्राधिकरण को लेकर बस्तर वासियों में काफ़ी उत्साह है। लंबे समय से जो जल संकट उत्पन्न हो गया है उसको लेकर उड़ीसा राज्य में जो जोरा नाला है उसमें जल विभाजन स्ट्रक्चर का अवलोकन किया, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जिसके तहत पूरी जानकारी प्रथम बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएगी। इंद्रावती जल संकट कैसे दूर हो पाएगा, इसकी कार्य योजना क्या होगी, उसका विस्तार कैसे होगा, ये मसला बस्तरवासियों के लिए नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। चूँकि इंद्रावती बस्तर ज़िले की प्राणदायिनी है और इसको लेकर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने मर्दापाल में विभिन्न भवनों का किया भूमि पूजन, साथ ही आईटीआई भवन का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने फीता काटकर आईटीआई मर्दापाल में अस्थायी रूप से संचालित शासकीय आईटीआई का शुभारंभ किया। साथ ही आईटीआई छात्रावास का भूमि पूजन राजकीय गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विधायक चंदन कश्यप ने अपने मर्दापाल दौरा के दौरान विभिन्न जगहों पर किया भूमि पूजन। छोटे कुरुशनार सड़क एवं पुलिया 3 मीटर, आईटीआई 100 सीटर छात्रावास भूमि पूजन, हड़ेली एवं पदेली मार्ग उच्च स्तरीय पुलिया लंबाई 12.80 मीटर, कांगा से डोडापारा उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण लंबाई 30 मीटर, मर्दापाल औद्योगिक पंछी संस्थान भवन का भूमि पूजन, साथ विधायक चंदन कश्यप ने मर्दापाल के शासकीय हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। विधायक ने कहा कि महाविद्यालय को लेकर लगातार मांग करते आ रहा था जिसको लेकर मेरे द्वारा पत्राचार भी किया जा रहा था। यह खुलने से दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को अब किशकाल में जाना नहीं पड़ेगा। पुनः एक बार फिर से रेलवे के ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान पर खेल का रौनक दिखता हुआ आज का पहला मैच जंगबाज ए बस्तर लॉयंस क्लब के मध्य खेला गया,
जिसमें जंगबाज की टीम ने 4-0 से मैच जीत लिया एवं सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वही आज का दूसरा मैच मॉर्निंग स्टार वर्सेस मेटगुड़ा एफसी मध्य खेला गया, जिसमें मॉर्निंग स्टार की टीम ने 4-0 से मैच जीत लिया। वही मॉर्निंग स्टार की ओर से पहला गोल सूर्या ने किया, दूसरा गोल गज्जू ने, तीसरा गोल रमेश नाग, चौथा गोल आशीष ने किया। वही इस प्रतियोगिता में मॉर्निंग स्टार की ओर से शहर के सबसे सीनियर खिलाड़ी अशोक यादव उम्र 55 साल ने पहले मैच की शुरुआत जीत से की। रेलवे फुटबॉल ग्राउंड को पुनः जीवित करने में सबसे बड़ी भूमिका अशोक यादव की है। बीच प्रक्रिया केंद्र में नागेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं तसर बीज उत्पादन कृषकों के जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने सर्वप्रथम नवनिर्मित नागेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए देवी देवताओं एवं मंदिरों का जीर्णोद्वार करना ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही। जन समुदाय की मांग पर मंदिर हेतु 3 लाख रुपए की राशि दी गई थी। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। तसर उत्पादन केंद्र कोसा सेंटर बस्तर में 27 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी यहां पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने जो अर्जुन का पौधा लगाया था वह आज वृक्ष बन गया है। राजीव गांधी के द्वारा लगाए गए पौधा जो अब वृक्ष बन गया है वहां पर जाज चबूतरे का निर्माण कर लोकार्पण किया गया। विधायक लखेश्वर बघेल ने घोषणा की है कि आने वाले राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इस स्थल में उनकी प्रतिमा अनावरण किया जाएगा। उपस्थित लोगों ने विधायक की इस पहल की सराहना की। 2019 से तसर उत्पादन के नाम पर बस्तर कोसा सेंटर पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। बस्तर के कोसा सेंटर की अपनी एक अलग पहचान है। पूरे देश में सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त कोसा का उत्पादन बस्तर में होता है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शांतनु ने कहा कि बस्तर कोसा सेंटर में भी उत्पादन के नाम पर पूरे देश में सराहना मिल रही है। यही कारण है कि विगत 4 वर्षों से कोसा उत्पादन को लेकर केंद्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर सराहना मिली है। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौक की पुलिस लगातार क्षेत्र की सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग के दौरान आज सुबह डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए गड्ढे गहन की ओर निकली हुई थी। इस दौरान कोहका थाने से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक आईडी दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने राजनांदगांव से बम निरोधी दस्ते को सूचना दी और मौके पर पहुंची बम निरोधी दस्ते की टीम ने कंटेनर में बने इस बम को सफलतापूर्वक निकाला और ब्लास्ट कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और सर्चिंग अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों द्वारा संभवतः गट्टे गहन क्षेत्र में बन रहे पुल निर्माण में बाधा पहुंचाने के मकसद से इस बम को लगाया गया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को निकालने के बाद इसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज करते हुए पुलिस ने क्षेत्र की सर्चिंग तेज कर दी है और आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। आज सुबह हमारा डीआरजी की पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएसपी नायक एंड डीएसपी ताजेश। वो लोग एरिया डोमिनेशन के लिए पीएस कोका में जो गट्टेगान का जंगल है उस तरफ बढ़े हैं और जैसे ही लोग जा रहे थे उन लोगों को एक आईडी दिखे हैं, स्पॉट किए थे, तो फिर वो लोग पूरा घेराबंदी करके एरिया को पूरा सर्चिंग किए थे और बीडीएस को कवर किए हैं। बीडीएस राजनांदगांव तुरंत पहुँची है और वो आईडी को डिफ्यूज किए हैं और वो सुरक्षित डिस्टेंस पर ले जाके उसको ब्लास्ट किए हैं। नक्सली लोग वहाँ शायद एक पुल बन रहा था गट्टेगान में, वो पुल को नुकसान पहुँचाने के लिए शायद लगा दिए हैं, लेकिन हम तो सक्सेसफुली उसको डिफ्यूज किए थे। सर, इसके पहले भी कुछ 2.5 से 3 किलो एक आईडी मिला था, उसको आपने डिफ्यूज कराया, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से नक्सली लगातार प्रयास कर रहे हैं? नक्सली का यहाँ तो प्रयास तो हमको दिख रहा है, लेकिन प्रयास हमारे साइड से भी है, लगातार है। हमारा फोर्स मूवमेंट जंगल में जा रहा है, लगातार है। आईटीबीपी का मदद भी ले रहे हैं, डीआरजी का सपोर्ट भी है हमको। हम तो पूरी तरह तैयार है। जैसे ही आईडी डिफ्यूज किए थे हम जंगल में लगातार वेंचर कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में नल जल योजना की खुदाई के दौरान ग्रामीणों को मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के और धातु के आभूषण मिले। सिक्कों को 2 दिन ग्रामीणों ने अपने पास रखा और सरपंच की समझाइश के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। राजनांदगांव जिले के डोगरगांव क्षेत्र के ग्राम बरगांव चार भाटा में ग्रामीणों द्वारा
नल जल योजना के तहत अपने ग्राम की गली में खुदाई की जा रही थी। इसी दरमियान जमीन के भीतर पुराने मिट्टी पात्र जैसा दिखाई दिया, जिसे खोदकर ग्रामीणों ने बाहर निकाला तो उस पात्र में कुछ पुराने जमाने के 65 नग चांदी के सिक्के एवं धातु के बने कुछ आभूषण मिले। सिक्कों में अरबी भाषा की लिखावट से यह मुगल काल का सिक्का प्रतीत हो रहा था, जिसे 2 दिन ग्रामीणों ने अपने पास रखा और सरपंच की समझाइश के बाद उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना कलेक्टर को दी और इसके बाद पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया। इस मामले में डोंगरगांव थाना प्रभारी भरत बरेट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम क्षेत्र का सर्वे कर रही है, उनके द्वारा ही सिक्के किस काल के हैं यह बताया जाएगा। प्राचीन काल के सिक्के मिलने की सूचना प्राप्त होते ही पुरातत्व विभाग ने उप संचालक प्रताप पारक, संरक्षण डॉक्टर राजीव मिंज, डॉक्टर विश्वयोत्तम साहू की टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। भरगांव चार भाटा की जमीन से चांदी के 65 सिक्कों के साथ 2 एठी एवं 3 अन्य आभूषण मिले हैं, जिसे मुगल कालीन अरबी भाषा में लिखा होना पाया गया है। बहरहाल पुरातत्व विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों द्वारा नल जल योजना के तहत खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान उनको पुराने जो मटके मिले, मटके में कुछ सिक्के थे, सिक्के और कुछ ऑर्नामेंट टाइप से पुराने मिले। उन्होंने इसके बारे में कुछ दिन तक तो अपने पास रखा, बाद में सरपंच के सलाह से थाना में लाकर के जमा किए हैं। चूँकि इन सिक्कों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन सिक्के हैं, तो इसके संबंध में आदरणीय एसपी महोदय राजनांदगांव को सूचित किए हैं और उनके आदेश से SDM सर के माध्यम से हम पुरातत्व विभाग को सूचना दी है इसके संबंध में। और ये सिक्के और ऑर्नामेंट्स फिलहाल हमारे पास सुरक्षित हैं और उनकी टीम आ गई है और टीम अभी उस घटना माने उस स्थल पे जा करके उस क्षेत्र का सर्वे करेगी। उसके पास ये पता चलेगा कि ये किस काल के सिक्के हैं और इनका पुरातात्विक क्या महत्व है। छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया 1 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिला के डौंडी नगर पहुँचे, जहाँ अखिल भारतीय हलवा हलबी आदिवासी समाज द्वारा आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर शहीद शिरोमणि गेंद सिंह नायक की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके पश्चात डौंडी नगर में परिक्षेत्र झेरिया धोबी समाज के वार्षिक महासम्मेलन में शिरकत किए। इस दौरान कार्यक्रम में समाज प्रमुख व आयोजक समिति द्वारा मंत्री का फूलमाला के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा, पिछले साल शहादत दिवस के दौरान भूपेश बघेल डोंडी में घोषणा किए थे कि 1 साल के भीतर डोंडी में शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा स्थापना की जाएगी और आज उसका अनावरण किया गया। बिल्कुल, बहुत से ये सब पिछले 15 साल का कारनामा है जो नहीं बनाए, उसको हम लोग आज झेल रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं बजट मंगी हूँ, इस साल जारी हो जाएगा तो मैं बहुत जल्दी सब आंगनबाड़ी को हम लोग बनाएंगे। पूरा तो नहीं हो सकता, फिर भी जितना बहुत जरूरी उसको हम लोग करेंगे। हाँ, बोल रही हूँ ना, वही तो, सब हम पुराने कार्यकाल के भुक्त को भोग रहे हैं, आज उसको कराएंगे पूरा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे राजधानी रायपुर पहुंचे, अपनी संकल्प यात्रा को लेकर जहां विशाल जन समुदाय ने भव्य स्वागत किया, साथ ही साथ 17 प्रदेशों की यात्रा करने के बाद सत्येंद्र दुबे ने कहा है, दुबे का मानना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि समूचे विश्व में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, जबकि भारतवर्ष में 80% आबादी हिंदुओं की है, बावजूद उसके इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। जहाँ पर सनातन धर्म से जुड़े 80% लोग यहाँ निवासरत हैं, मगर आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन की संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसे लेकर जन समर्थन हेतु राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने 17 प्रदेशों की यात्रा कर जन जन को जगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए एकजुटता जनसभाएं भी ली जा रही है। साथ ही साथ सभी संगठनों से भी अपील की जा रही है कि वह बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में आगे आए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे। आगामी 20 फरवरी 2023 से जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के राष्ट्रीय हिंदू संगठन पूरे देश के 50 जनपदों पर एक जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है, ये उसकी सापेक्ष हिंदू राष्ट्र आंदोलन के सापेक्ष एक जागरण हिंदू जागरण एवं हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा 14 जनवरी से प्रयागराज से प्रारंभ हुई, झारखंड उड़ीसा होते हुए आज छत्तीसगढ़ 6वें दिवस के पहुंची है। और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आगामी 20 फरवरी से जो हिंदू राष्ट्र का आंदोलन होने वाला है, उसमें प्रत्येक हिंदू सहभागिता ने अपनी
सुनिश्चित करें प्रत्येक हिंदू, और आने वाले समय में 20 फरवरी को ही एहसास दिलाए कि देश में हिंदू 80% है, और देश का हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहता है तो देश की सरकारें हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को घोषित करें, और यह मांग पत्र और यह प्रधानमंत्री जी को 20 फरवरी को सौंपा जाएगा। इस यात्रा का स्वागत जो है हमारे सनातनी भाई और बहनों ने पूरे जोर शोर से इनका स्वागत किया, और असली में बात यह है कि हमारे प्रत्येक सनातनी भाई के दिल में हिंदू राष्ट्र का और सनातनी सम्मान का, सनातनी गर्व का भाव छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी हुई है। ये संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि इसके माध्यम से हम उनके जो दिलों में जो इच्छा है बरसों से सजोए हुए हैं हिंदू राष्ट्र की, सनातन सम्मान की, सनातन संस्कृति की, उसको जागृत करना, और इस सब को लेके एक समग्र हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारे हिंदू राष्ट्रीय हिंदू संगठन के दिल में है। हिंदू राष्ट्र क्यों चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र इसीलिए चाह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे साथ बहुत तरह का न्याय हो रहा है। आज हिंदू इसीलिए मजबूर होके ये इस संकल्प यात्रा में निकले हैं और हिंदू राष्ट्र आंदोलन कर रहे हैं। आपके उदाहरण के लिए बता दूं कि आज भी हिंदू के ऊपर जजिया कर परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से लगाया जा रहा है। हम व्हाट्सएप में जरूर सब लोग शामिल होते हैं, 190 लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 10 लोग नहीं आ पाते। इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा की है, और इनका साथ हम देंगे, देना है, हिंदुओं को एकत्रित करना है, उनके मन में जो भावना है उसको बाहर लाना है। मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी सनातनी भाई हमारे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, वो एकजुट हों और एक साथ एक उद्देश्य से, हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य से, हिंदू राष्ट्र की घोषणा के उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र अवेलेबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 21 एवं 22 जनवरी 2023 अंबिकापुर जिला सरगुजा में प्रारंभ हो रही है। इस बैठक में बस्तर जिले के भाजपा पदाधिकारी भी शामिल होने पहुंचे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।